जो लोगों को आनंद आ जाए। बिल्कुल सही बात। प्रयास कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से, मैं वैसे भी ज्यादा कठिन नहीं गाता हूं, बड़ी सरल तर्ज मैंने पहले राउंड में भी गाई थी और उसका जितना प्रयास आपने किया ये सभी आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे और जितना प्रयास मैं इनके गाने में कर पाया हूं उसको भी यूट्यूब के माध्यम से आप सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि स्वार्थ में घूमती है घाट घाट जिंदगी। अब हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, अब हम सिर्फ आपको ही सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें बुरा ज्यादा लग जाता है हमारे। सही बात है, बहन जी को बहुत बुरा लगता है इसलिए कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सब सुने। स्वार्थ में घूमती है घाट घाट जिंदगी, लगती है वासना में ठाट बाट जिंदगी। क्या बात है बाके भाई। स्वार्थ में घूमती है घाट घाट जिंदगी और लगती है वासना में ठाट बाट जिंदगी। अंदर से कुछ और क्या, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ, अरे हम इनको कुछ नहीं गए, अंदर से कुछ और। अब कहते हैं आप ऐसे आए बोले ऐसे खड़े हो गए, कुछ ना कहो। अब भैया हम ऐसे खड़े ना हो कैसे खड़े हो, बोले आप ये नीचे वाले कहते हैं ये तो जाने ना तो बूढ़े लगते हैं ना जवान लगते हैं, ये हमारे रही भाई कहते ये बीच वाले लगते हैं। क्या सहूर सीखा है भैया रही भैया ने। हम जब मिलते हैं भैया रहीम भाई साहब, राम राम जय राम जी की हाथ मिलाते हैं, बड़े भाई हमारे आए हैं, बहुत अच्छा स्वागत करते हैं आपको, सम्मान देते हैं। लेकिन रहीम भाई कहते हैं इनकी यारी चलती है बीच बीच में, कुछ ना कहो बाके भाई। इनका तो हाल ऐसा है कि जैसे उदय जैसे भान, इनके चुटई न उनके हल्ला मचाने से क्या हो जाएगा। कल्पना जी कहती है सुनिए, कहते सुनिए क्या बात है, ये नौटंकी का मंच थोड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, बुरा मत मानना आप। नहीं नहीं चचा जी हमारे बुरा कैसे मान सकते हैं, आप कहते हैं तो आपकी बात ही हम दोहराते हैं, हम आपसे कुछ नहीं कहते। चलो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि स्वार्थ में घूमती है घाट घाट जिंदगी, लगती है पासना में ठाट बाट जिंदगी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, बस ऐसे लोगों से हो गई बारह बाट जिंदगी। ऐसे लोगों से हो गई बारह बाट जिंदगी कि रिश्तों को सांप की तरह डसने लगे हैं लोग। रिश्तों को हम भाई बना दें तो ये भाई पे सम्मान नहीं पाएंगे ना। बोले तुम तो हमें गारी दे, हम तुम्हें गारी दे, जय जवाबी है। बोले और क्या, जय है जवाबी आजकल की। ऐसे लोगों ने जवाबी बर्बाद कर दी। रिश्तों को सांप की तरह डसने लगे हैं लोग, बेबस की बेबसी पर हंसने लगे हैं लोग। गैरों की बात क्या करें अपनों का हाल ये, गैरों की बात क्या करें अपनों का हाल ये, घर घर में चक्र भी हिंसा रचने लगे हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, देखें फिल्मी दुनिया ने कहा बड़ी सुंदर तर्ज में लेकर के आया हूँ और प्रयास करूंगा। ये नहीं मामला चलेगा विधने का और विधाने का, ये आप करते रहिए मैं आपको सुलझाता रहूंगा, जितना विधाई आप विधाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं एक ही गाना डाल दूंगा बस आप लटक जाएंगे बस। चलो भाई छोटी पार्टी, इसलिए आप कहते मुझे कल्पना कहते हैं तो कल्पना जी सुनिए मुझे भी बाकी कहती है। 25 साल से गा रहा हूँ, भाग नहीं ओढ़ रहा हूँ। क्या बात है बांके भाई, ये बात अलग है, हम दुकानदारी में बिजी हैं, अपना काम कर रहे हैं, कार्यक्रम आप रियाज पे तो नहीं है, वाह आपकी रियाज चल रही है, आपका नाम तो इसका मतलब ये नहीं आप ना जाए फायदा उठाओ, हमें हड़की दो, हड़की भड़की बर्दाश्त नहीं है साहब। ये हमारे जो कि बच्चे के समान है भैया रिंकू चौहान और दीपू चौहान, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है भाई, हमारी जहाँ दुकान है ये उनका मकान है, इनकी ससुराल है, हमारा समधयाना हुआ है, हम इनके चाचा लगते हैं और इनको गोदी में खिलाया है और ये हमको बड़ा
पुरस्कार पे पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद देने के लिए। और क्या कहते हैं, बराबर आशीर्वाद देते आए शुरू से छोटे से, लेकिन सुनिएगा फिल्मी दुनिया ने कहा क्या कहा फिल्म वालों ने, प्यार झूठा सही आपको क्षमा चाहेंगे आपने ये कैसे आकलन कर लिया कि ये बीच वाले हैं, ये कैसे आकलन कर लिया, कैसे आभास हो गया ये आपको, वो हमेशा बीच में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा चलो कोई बात बात बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमको बीच में ही रहने दें, दोनों पार्टियों के बीच में ही रहते हैं वो। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने तो किसी और से मिलने के बहाने आजा, किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। इस 50 रुपए का पुरस्कार हमारे रिंकू चौहान पुनः प्रदान कर रहे हैं, 500 रुपए में रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सुनिएगा, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, द्रौपदी रो रही है और रोते हुए विलाप कर रही है कि प्रभु चीर बढ़ाने के लिए आजा। ये सभी ने लिखा, कल्पना जी सभी ने लिखा कि द्रौपदी की वेदना को सभी ने लिखा, लेकिन मैं उस जगह पे जो बहुत से योद्धा बैठे हुए थे उनमें एक शख्स की ऐसी वेदना लिख रहा हूँ कि द्रौपदी के बराबर वो भी पुकार कर रहा था भगवान इस बहू का चीर बढ़ाने के लिए आ जाए। और वो शख्स था भीष्म पितामह, घर के सबसे बुजुर्ग शख्स थे, जितनी पीड़ा द्रौपदी की हो रही थी और उतनी ही से ज्यादा अधिक पीड़ा भीष्म पितामह को हो रही थी। बिल्कुल सही, क्योंकि वो घर के पुरखे थे, सबसे बड़े पुरखे थे, उनके सामने ही जब कुल वधू को नग्न किया जाए तो कितनी पीड़ा की बात है। बिल्कुल सही, लेकिन शब्द सुनिएगा, एक शब्द ले लिया मैंने, कुल शब्द लिया है, कुल कुल का प्रयोग कर रहा हूँ, कुल को किस तरह प्रयोग कर रहा हूँ, कुल माने परिवार। भीष्म पितामह मरियमन भगवान से कह रहे हैं, कुल के दीपक से Thank you.
जी का कमाल। भीषम पितामह कह रहे मन ही मन, हे प्रभु कुल के दीपक से लगी आग बुझाने आता, इधर तो आग कुल के दीपक से ही लगी रही है, कोई दूसरा नहीं लगा रहा। कुल के दीपक से लगी आग बुझाने आता, लग रहा कुल में कुल से दाग मिटाने आजा, लग रहा कुल में दिल में दाग बुझाने आजा, लग रहा कुल में दाग बुझाने आजा। आप लोगों को जानकारी दे दूं, ये बांके बिहारी संकीर्तन मंडल जो है टूटी फूटी सेवा कर रहा है, बहुत बढ़िया। बांके बलराम लिखा है तो बलराम इसमें गायब है, जो साइडर थे वो साइडर गायब है, और सिर्फ मैं प्रयास कर रहा हूँ जोड़ तोड़ के गा करके फिर आपको समक्ष मैं फिर खड़ा हुआ हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन सुनिएगा, लगे रहा कुल में कुल से दाग मिटाने, इधर तो कुल के मैं कुल के द्वारा ही आग लगी पहली बार। क्यों? भीषम पितामह कह रहे हैं मन ही मन भगवान से, कुल के कुल पूज, कुल के कुल पूज, कुल गुरु जी कुल में बैठे, कुल के कुल पूज कृपाचार कुल में बैठे हैं, कुल के कुल पूज कुल गुरु जी कुल में बैठे हैं, और कुल के लोगों से, कुल के लोगों से, कुल के लोग कुल में बैठे हैं, कुल के लोगों से ही कुल के लोग बैठे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कुल के लोगों से कुल बधुए कर बिलाप रही, कुल के लोगों से कुल बधु बिलाप कर रही है। इसका कारण क्या है? क्या कुल के लोगों के कारण ही कर प्रलाप रही, बहुत बढ़िया। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई श्री रमेश सिंह चौहान की तरफ से प्रदत्त हुआ है, नेमतपुर वाले, बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई कोई प्रणाम है, लेकिन सुनिएगा, सुनिए आप लोग, कहीं ना जाए रहा कुल में कुल से दाग मिटाने। दूसरी बात सुनेगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, दूसरी बात सुनेगा, भीषम पितामह मन ही मन कह रहे हैं, सो भाई अगली बात सुनिए, कुल का कुल श्रेष्ठ, अपने आप को कह रहे हैं, कुल का कुल श्रेष्ठ कुल में ही बड़ा बेबस है, और तो और कुल का ये काल कुल खाती बड़ा बेरस है, कुल का ये काल कुल खाती बड़ा बेरस है, और इसका कारण क्या है? क्या है? कुल का राजा ना कुल के प्रति कुछ विचार करे, कुल की मर्यादा कुल में ही तार तार करे, हमारे भाई रिंकू की बुआ जो कि विद्या जी हैं बिचौली वाली, ये 21 रुपए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोट कोट प्रणाम है। लेकिन सुनिएगा,
ना जाना कुल के प्रति कुछ विचार करे। अच्छा हमारे दीपू भाई की बुआ है दड़वा से विद्या बुआ, उनकी तरफ से इंजाम प्रदेश हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोट कोट प्रणाम है। लेकिन सुनिएगा बीसम पितामह मन यमन क्या कह रहे हैं। दस न जाए जाने आजा, इसलिए प्रभु लग रहा कुल में कुल से दाग मिटाने। लग रहा कुल में कुल से दाग मिटाने मन भगवान से कही है। अंत बात सुनिएगा, बड़े मार्मिक बात भगवान ने क्या कही है कि तुमको आना पड़ेगा। बोले क्यों? तुम हो कुलभूषण यदु कुल के जरा ज्ञान करो, तुम भी यदु कुल के कुलभूषण हो और सुता यदु कुल के प्रथा की बधु का ध्यान करो। कुल की सुता है प्रथा यानी कुंती उसकी ये बहू है, इसका ध्यान करना पड़ेगा और आना आपको जरूर पड़ेगा प्रभु, और इस बहू की लाज बचाना पड़ेगा। क्यों? आपको आना ही पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी बात कह दी भीष्म पितामह ने, मनी मनी लाज कुर कुल की, बहुत बढ़िया, लाज कुर कुल की यदि लुट जाएगी तो नाग यदु कुल की भी बाके कट जाएगी, हाँ कट जाएगी, तो कट जाएगी। हमारे भैया श्री लज्जा राम विश्वकर्मा जी पिचौली वाले, ये 51 रुपए हमें दे रहे हो, 51 रुपए हमारे रविंद्र भाई के दे रहे हैं, और ये 51 रुपए समस्त मंडल के लिए प्रदान कर रहे हैं। आचार्य जी को भी ये जवाब इन्होंने दिए, उनपे जवाब पे हमारे भैया श्री लज्जा राम विश्वकर्मा जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोट कोट प्रणाम है। हम लोग कहना पड़ा, हम लोगों के हारमोनियम पे आ गए हैं। लाज कुर कुल की यदि देखो लुट जाएगी, नाग यदु कुल की भी पाके कट जाएगी, हो कट जाएगी, हाँ कट जाएगी। लग रहा कुल में कुल से दाग मिटाने आजा, लग रहा कुल में कुल से दाग मिटाने, लग
लग रहा कुल में कुल से दाग मिटाने आजा, लग रहा कुल में कुल से दाग मिटाने आजा, लग रहा कुल में कुल से दाग मिटाने आजा। ये आपके लिए टूटी फूटी सेवा, लेकिन चूंकि समय हो रहा है, हमारे दीपू भाई ने सारा कर दिया कि दो मिनट रह गए हैं, तो दो मिनट में आपको मैं कटपी सुनाई दे रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ, हमारे निर्णायक महोदय कमल सिंह चौहान फूफा जी, संजय भैया, यूट्यूब चैनल नहीं है ये। बढ़िया एक गीत और आया है, और मेरे गीत का आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत बेहतरीन जवाब दिया, सुनेंगे लोग, आप भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा आपको, लेकिन आपने जो गीत गाया उसका जवाब मेरी तरफ से सुनेगा। और बेहतरीन गीत आपकी तरफ से आया है, कौन सा बेटा, कौन सा उसका तना लिया है। आप जो बोल रहे हो, कह रहे हो, कह सकते हो, क्योंकि इस जमाने ने लाखों पत्थर मारे मुझे, मगर मेरी खूबी तो देखो, उन्हीं पत्थरों को उठा उठा के अपना घर बना लिया है। तू किसी यार से मिलने के बहाने जी।
गीत आपका आया है, आप कह रहे हैं कि कुल के दीपक से लगी आग बुझाने आजा, लग रहा कुल में दाग मिटाने आजा। मिटाने आजा का मतलब होता है कि लग गया तब मिटाने आजा। कोई चीज जैसे कहा कि ये दाग लग गया इसको मिटाने आजा, और लग रहा है तो मिटाने आजा कैसे आएगा ना। कैसे आचार्य जी 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 क्या लिख रहे हो ऐसे? हेलो बात नहीं आचार्य जी पुराने हैं क्या? आचार्य जी की बात अलग है बेटे। अच्छा दोबारा आए, तुम्हारा भी आएंगे आचार्य जी। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के जब आप घर का गीत, देखो जवाब में थोड़ा इधर उधर हो जाता कोई नहीं है। घर का गाना कलाकार का ऐसा होना चाहिए कि लगे वाकई उसमें कहीं कोई कमी महसूस ना हो। और क्या? अरे हमारे तो भाई हैं। पिता माँ का चित्रण दिया है कि वो सोच रहे हैं कन्हैया आजा बुला रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी लज्जा लग रही है, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि वहां कष्ट किसको नहीं हो रहा है? ओहो, क्या धर्मराज जी को कष्ट नहीं हो रहा है? हाँ। क्या गांधी उधारी अर्जुन को कष्ट नहीं हो रहा है? हाँ। लेकिन सब मजबूर है। क्या बात है? सब मजबूर है। बीस पिता माए भी बैठे हैं चुपचाप, क्या गुरु जी को कष्ट नहीं हो रहा है? बताइए। समझो समझो लो कल्लो बात। वो मां साहब है, ये आपसे मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए हम लोगों से गलती हो जाए तो हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब आचार्य जी यानी मास्टर साहब पढ़ाने वाले से गलती हो तो पढ़ने वाले क्या करेंगे फिर? और क्या, पढ़ने वालों के तो नसीब में सर्विस है ही नहीं फिर। आचार्य जी मां साहब, बात ये है कि स्कूल में प्रधानाचार्य अंदर बैठे थे, भाई साहब रिंकू भैया सुनो बताएं। सुनो भैया, स्कूल में आए चेकियर, सुलड़कन से पूछे कहे धनुष शंकर जी को कीने तोड़ो, बोले हम तो अभी अभी आए हमने तो नहीं तोड़ो। सो मास्टर साहब से पूछी कहे, बोले कैसी पढ़ाई करत, बोले का, बोले ये लड़का कह रहा है कि धनुष हमने नहीं तोड़ो शंकर जी को। सो मास्टर साहब बोले अरे ऐसो है साहब कि ये बच्चा जो है ना बड़े शैतान है, नहीं तोड़ो होगा, झूठ बोल रहे होंगे। बोले तो इनके प्रधानाचार्य से बात कराओ, चलो देखें कैसे प्रधानाचार्य हैं। बोले कहे तुम्हारे स्कूल में लड़का तो लड़का, मास्टर कह रहा है कि लड़का नहीं शंकर जी को धनुष तोड़ो। सो प्रधानाचार्य बोले देखो साहब ऐसो है जो कछु गलती हुई सो माफ कर दियो, टूट गाओ सो टूट जाओ दो, दूसरो बनवा दे। जा दशा है प्रधानाचार्य की। चले सुन, वहां ऐसी दशा हमारे दीपू भैया कह रहे हैं धनुष तो हम ही तोड़ गए यहाँ बिचौली में। भैया की तरफ से 51 पद मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। बीस पितामह सोच रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए उस नारी पर क्या गुजर रही होगी जिसको 20 सभा में लाकर के खड़ा कर दिया हो। क्या गुजर रही होगी जहाँ जो बचाने वाले हो वो ही चुपचाप बैठे हो। क्या बात है, क्या गुजर रही होगी जब चारों तरफ कोई आसरा ना दिख रहा हो। सुनिए गजबा, सुनिए। द्रौपदी पुकार कर रही है कन्हैया आज सिर्फ एक तुम्हारा सहारा है। द्रौपदी ने पतियों की तरफ देखा, उन्होंने भी सर झुका लिया। विष पिता माँ की तरफ देखा, सभा सदों की तरफ देखा, जब सबने सर झुका लिया द्रौपदी ने तो अपना चीर पकड़ लिया। कन्हैया तब तक नहीं चीर बढ़ाया, क्यों? क्योंकि कन्हैया करे अभी तो इसको अपने हाथों पर गुमान है लगता है।
हाथों को वे लाज मार रही है, लेकिन जब देखा कि अब बचाने वाला कोई नहीं है, चीर को छोड़ दिया, छोड़ करके कहने लगी, हे बांके बिहारी, बस लाज है हाथ तुहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। सुनेगा कि सदा भगतों की तुमने मोहने लाज राखी, सुनेगा सदा भगतों की तुमने मोहने लाज राखी है, जहाँ राखी वहाँ तुमने जज राखी है, तो अगर राखी की नहीं तुमने, सुनेगा अगर राखी की नहीं तुमने ब्रजराज राखी, अगर आज आपने राखी की लाज नहीं रखी तो कन्हैया सुनेगा, अगर राखी की नहीं तुमने ब्रजराज राखी, मिलेगी धूल में बहना की आज ये बहना थी आज मोहन बचा दे, क्योंकि बाकी भैया जी जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो एक सहारा मिलता है, और वो सहारा उस लाज को रखने के लिए आ रहा, सुनेगा सुने क्यों क्यों चीर को चीर करके मैंने दिया था बांध जो कर, चीर को चीर दिया था मैंने अपना, चीर चीर के कन्हैया तुमको बांधा था, तो सुनिए चीर को चीर कर मैंने दिया था बांध जो कर, उसे उसी को आप तो समझे मेरी राखी करुणा कर, इसलिए मुझे राखी पर बड़ा ही तो ये भरोसा है, मुझे राखी पर बड़ा ही तो ये भरोसा है, दिल ही दिल में मैंने कितनों को आज कोसा है, इसलिए कन्हैया मेरे दिल को कुछ दिलासा तो दिलाने, मेरे दिल को तू दिलासा दिलाने आजा, लाज बहना की आज मोहन बचाने, लाज बहना की आज मोहन बचा ले।
प्रयास रहा है। और आइए चलते चलते आपको भी एक छोटा सा प्रयास दे रही हूँ। और विश्वास मानिए मैं आज इतने सरल गीत गा रही हूँ। एक बार जोरदार ताली हमारे बाकी भैया जी के लिए हो जाए।